इस लेक्चर में आज हमने डिस्कस करना है पाइलम प्लेटी हेलमेंटिस। हम इनवर्टेब्रेट्स के फाइला स्टार्ट कर चुके हैं, सो आज टॉपिक है हमारा प्लेटी हेलमेंटिस। प्लेटी हेलमेंटिस टर्म वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय गेगनबॉर इन 1859, यानी ये टर्म सबसे पहले गेगनबॉर यूज कर चुके हैं 1859 में, जिनके माने हैं प्लेट वॉर्म्स। प्लेट वॉर्म इसी फाइला का अदर नाम है। इस फाइलम को प्लेट वॉर्म भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी वॉर्म्स होते हैं वो प्लेट होते हैं। दे आर डार्सो विंट्रली प्लेटन, यानी डार्सल साइड से भी ये प्लेट होते हैं, विंट्रल साइड से भी ये प्लेट होते हैं। ये डार्सो विंट्रली प्लेटन है, इसलिए इसे प्लेट वॉर्म कहा जाता है। इस फाइला के अंदर 15,000 तक स्पीशीज पाए जाते हैं, जिनमें से 80% पैरासिटिक है। In which the 80% are parasites. They are bilaterally symmetric. इनमें जितने भी members शामिल हैं, इनका एक character ये है कि ये bilaterally symmetric है। Body can be divided into equal parts by one plane of division. अगर हम इनके bodies को एक side से divide कर ले, तो इनके equal parts आ सकते हैं। यानी ये body है हमारी, अगर हम तो एक तरफ से एक प्लेन ऑफ डिविजन कर ले तो इनके इक्वल पार्ट्स आ सकते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स। दे आर एसीलोमेट, इसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं है, बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट होती है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर डार्सो वेंट्रली प्लेटेड, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, डार्सल साइड से भी प्लेट है, विंट्रल साइड से भी प्लेट है। डार्सल अपर साइड, विंट्रल मीन लोअर साइड्स। दे आर मेटाजोआ, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। इन केस ऑफ प्री लिविंग, जो प्री लिविंग मेंबर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, उनमें जो एक्टोडर्म लेयर्स होती है उन पे सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्लोकोमोशन एटसेट्रा। बट इन केस ऑफ पैरासिटिक, चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें 80% मेंबर इनका पैरासाइट है, उसमें आउटर मोस्ट लेयर के गिर्द क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है, और उस क्यूटिकल लेयर का इनको होस्ट के इफेक्ट से बचाना होता है। ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट इनके अंदर, चूंकि ज्यादातर इनमें पैरासाइट है, तो या तो ये हुक यूज करते हैं या सकर यूज करते हैं अपने होस्ट से खुराक लेने के लिए प्लस अटैचमेंट के लिए। इन पैरासिटिक फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, पैरासिटिक मेंबर जो है ना, उनके केस में डाइजेस्टिव सिस्टम या तो पूरली डेवलप होता है, जिस तरह के क्लास ट्रीमाटोडा में, और या टोटली एब्सेंट होता है, जिस तरह के क्लास सिस्टोडा में। बट इन केस ऑफ प्री लिविंग डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, यानी पैरासिटिक के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरह डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड या सीमी डाइजेस्टेड फूड खाते हैं अपने होस्ट से। बट इन केस ऑफ प्री लिविंग डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो डेवलप होता है। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनके सब प्लेटी हेलमेंटिस, दे कंसिस्ट ऑफ प्लेन सेल, इसी तरह का एक सेल होता है जिनमें न्यूक्लियस होती है और इसी तरह के सीलियास प्रेजेंट होते हैं, और जब इनकी मूवमेंट होती है तो ये प्लेन की तरह नजर आते हैं। प्लेन शोले को बोलते हैं, जिस तरह आग का शोला होता है, इसलिए इसे प्लेन सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सीलिया मूवमेंट करती है दे लुक लाइक अ प्लेन। That is why they are called plain cell. तो इसमें जो excretory system में किस चीज पे मुश्तमिल होता है? Plain cell पे, जो ऊपर बाहर की तरफ जो है ना excretory pore से open होते हैं, ये बेकार मादों को खारिज करने के लिए इनमें plain cells present होते हैं। इनमें जो nervous system है, they are poorly developed. इससे पहले हमने पढ़ा कि there is no nervous system. अब यहाँ पे poorly developed है, just consist of a few ganglion cells. Cerebral pair of ganglion cells present होते हैं, they are hermaphrodite. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनमें हर एक member में जो है ना male character भी होता है, यानी वो sperm भी produce कर सकते हैं और ova भी produce कर सकते हैं, जिसे हम bisexual या hermaphrodite कहते हैं। यानी इसमें नर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है,
कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें चूंकि ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं उनके स्पर्म उनके ईग के साथ फ्यूज हो जाए या एक का स्पर्म दूसरे के ओवा के साथ फ्यूज हो जाए और उसका स्पर्म इसी के ईग के साथ फ्यूज हो जाए, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, बट फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल, यानी स्पर्म और ओवा की जो फ्यूजन होगी वो बॉडी के अंदर होगी। अगर स्पर्म और ओवा की फ्यूजन जिस तरह एम्फीबियंस में होता है बाहर हो, जब इनके साथ वो प्राग आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्राग में फीमेल बाहर पानी में अंडे देते हैं और मेल इसके ऊपर स्पर्म डाल लेते हैं, तो ईग और स्पर्म की फ्यूजन बॉडी से बाहर होती है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट इन केस ऑफ प्लैटीहेल में दिस फर्टिलाइजेशन विल बी ऑलवेज इंटरनल, उनका स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज होगा, कहां पे फ्यूज होगा, बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगी जिस तरह प्लेनेरिया में, मतलब ईग से जो हैचिंग होती है वो जो इब्तदाई बच्चा होता है वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होता है और डायरेक्ट बनती है, और इनडायरेक्ट ये है कि लार्वा और इसी तरह मुख्तलिफ स्टेजेस से जिस तरह के सर्केरिया और मेटा सर्केरिया वगैरह बनते हैं लीवर फ्लूक में, तो लीवर फ्लूक में जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है, बट इन केस ऑफ प्लेनेरिया डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। रीजनरेशन एबिलिटी प्रेजेंट इन टर्मिलेरिया मेंबर्स, टर्मिलेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी यानी जो ऑर्गन लॉस होती है ये इनको बना सकते हैं या ये जो पीसेस में डिवाइड हो सकती है, तो हर पीस में ये एबिलिटी होती है कि वो नया इंडिविजुअल बना सके। और बट इन 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 ट्रीमाटोडा दे आर टोटली एब्सेंट, ऑल मेंबर इन दिस प्लैटीहेल मेंथिस दे आर सॉलिटरी, देयर इज नो कॉलोनी, जिस तरह हम सेनेटेटा में पढ़ चुके थे कि कॉलोनी के शक्ल में वो रहते थे। इनमें जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्लेनेरिया, जो तकरीबन 10 मिलीमीटर तक साइज में होता है, बट टेपवर्म सबसे लंबा है स्पाइलम के अंदर जो 16 फुट तक जा सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें प्लैटीहेल मेंथिस की, तो इनमें जो लीवर फ्लूक है या टेपवर्म है ये मुख्तलिफ एनिमल्स में स्पेशली जो डोमेस्टिक एनिमल्स है बफेलो काओ शीप और गॉट इनमें डिजीज कास्ट करते हैं, ये उनमें डिजीज कास्ट करते हैं और उनके लीवर पे ये अपना लाइफ साइकिल वहाँ पे स्पेशली ये लीवर फ्लू कंप्लीट करता है और वहाँ पे ये डिजीज लेके आते हैं। इसके अलावा टेनिया सेगिनेटा टेपवर्म ह्यूमन का पैरासाइट है, स्पेशली चिल्ड्रन में ये डिजीज कास्ट करते हैं जिनमें नाइजिया होती है, वोमिटिंग होती है, वेट लॉस होते हैं और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, एपिलेप्सी टाइप मेलगी टाइप सिम्टम्स लेके आते हैं, और इसके अलावा जो है ना ये बाकी एनिमल्स में भी डिजीज कास्ट करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल इनका प्लेनेरिया, लीवर प्लूक, टेपवर्म आर द एग्जांपल ऑफ प्लैटीहेल मेंथिस।